जहाँ पर रिसेंट टाइम पे ऑडियंस फिल्म का हीरो नहीं बल्कि कंटेंट देख के फिल्म को एंजॉय करते हैं। और उसी वजह से 2022 में ऐसे कुछ फिल्में हैं जिसके बारे में लोगों ने नहीं जानते थे, पर रिलीज होने के बाद फिल्म का कॉन्सेप्ट फैंस का दिल जीत लिया है और फिल्में बॉक्स ऑफिस पे सरप्राइजिंगली हिट साबित हुई है। दोस्तों, वो सारी फिल्मों के बारे में जानने के लिए सुषमिता की वीडियो जरूर देखिए और एक लाइक भी कीजिए। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। वन कंतारा, और ये रहा ऋषभ शेट्टी का एक्शन थ्रिलर फिल्म जहाँ पर कर्नाटक का ट्रेडिशन भूताकोला स्टोरी को दिखाई है। और काफी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऋषभ ने सोचा था कि कांतारा फिल्म सिर्फ कन्नड़ इंडस्ट्री पे ही चलेगा, पर फिल्म का पावरफुल कंटेंट फिल्म को पैन इंडिया लेवल पे ले गई है और ये फिल्म सरप्राइज कलेक्शन दिया है बॉक्स ऑफिस पे। जहाँ पर कांतारा का बजट था 16 करोड़, ये फिल्म 410 करोड़ का तगड़ा कलेक्शन देकर एक इंडस्ट्री हिट फिल्म साबित हुई। नंबर टू, कार्तिकेया 2, और ये रहा तेलुगु का सुपर नेचुरल थ्रिलर फिल्म जहाँ पर निखिल सिद्धार्थ को लीड रोल में नजाई है और इसका स्टोरी दौरा का टेम्पल से जुड़ा कर दिखाया गया था। और साउथ के साथ ही साथ इस फिल्म को नॉर्थ पे कई गुना ज्यादा रिस्पॉन्स मिला है। जहाँ पर बजट था 20 करोड़, ये फिल्म 120 करोड़ का कलेक्शन देखकर एक ह्यूज ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। नंबर थ्री, थिरुचित्रम्बलम, और ये रहा तमिल का रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जहाँ पर धनुष राजा और नीथा मेनन लीड रोल में नजर आई है। जहाँ पर फिल्म पे कोई एक्शन या फिर मस्त मसाला या फिर डायलॉग बजी नहीं था, फिर भी ये फिल्म दिया है एक हाई कलेक्शन। फैमिली ऑडियंस के लिए ये फिल्म रहा एक बड़ा सा ट्रीट। जहाँ पर इसका बजट था 30 करोड़, धनुष राजा का ये फिल्म 118 करोड़ कलेक्शन देकर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। नंबर फोर, लव टुडे, जहाँ पर ये रहा तमिल का रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसको डायरेक्ट किया है प्रदीप ने और इसमें उन्होंने लीड रोल निभाई है। और तो दोस्तों, ये फिल्म प्रदीप का कैरियर में सेकेंड फिल्म है और इसमें दोनों यंग कपल का फोन से जुड़ा कर सीक्रेट के बारे में दिखाई है। और जहाँ पर इसका बजट था सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़, ये फिल्म 75 करोड़ का कलेक्शन दिया है और माना जाए तो पूरे लिस्ट पर सबसे सरप्राइजिंगली हिट फिल्म रहा लव टुडे और ये रहा ब्लॉकबस्टर। नंबर फाइव, डीजे टिल्लू, और ये रहा तेलुगु का रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जहाँ पर जोनल्ला गड्डा को लीड रोल में नजाई है और इसमें तिलक जॉकी बनना चाहते हैं पर बाद में उनका लाइफ पे प्यार की वजह से कैसे अप्स एंड डाउन्स होता है वह इसमें दिखी है। जहाँ पर फिल्म पे कोई फेमस कास्ट नहीं था, पर ये फिल्म काफी अच्छे कलेक्शन दिया है बॉक्स ऑफिस पर। जहाँ पर बजट था 10 करोड़ और ये फिल्म 50 करोड़ का कलेक्शन देकर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। नंबर सिक्स, थल्लुमाला, और ये रहा मलयालम का एक्शन कॉमेडी फिल्म जहाँ पर टोविनो थॉमस को काफी डिफरेंट एक्टर में नजर आई है और ये फिल्म है यंग स्टार बेस्ड फिल्म। और जिन सभी ऑडियंस ने फिजिकल फाइटिंग पे इंटरेस्टेड है, उन सभी फैंस के लिए ये है एक मस्ट वॉच फिल्म। अतः दोस्तों, एक केयरफ्री यंग लड़का और एक स्टार व्लॉगर के साथ जुड़ा कर पूरे फिल्म को दिखाई है। और अतः दोस्तों, जहाँ पर बजट था 15 करोड़, ये फिल्म दिया है 45 करोड़ का कलेक्शन और ये रहा सुपर हिट। नंबर सेवन, मसूदा, ये रहा तेलुगु का सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म जहाँ पर थिरुवीर और कार्तिक को लीड रोल में नजर आई है। इसमें नीलम एक सिंगल मादर और उनकी बेटी नाजिया से जुड़कर एक हॉरर स्टोरी को दिखाई है। और दोस्तों, जहाँ पर इसको ऑडियंस क्रिटिक्स ने दिया है पॉजिटिव रिस्पॉन्स। जहाँ पर बजट था 8 करोड़, ये फिल्म 25 करोड़ का कलेक्शन दिया है और ये रहा सुपर हिट। दोस्तों, ये रहा 2022 में कुछ ऐसे फिल्मों के बारे में जो सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रहा सरप्राइजिंगली हिट। तो इस लिस्ट पे आपका फेवरेट फिल्म कौन सी है कमेंट पे बताइए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए। और इसके बॉलीवुड और साउथ इंडिया से अपडेट पाने के लिए मलेशिया जैन चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।